वेरी न्यू इनिशियेटिव कॉल्ड यूपीएससी सीएससी मास्टर क्लास प्रोग्राम फॉर प्रलिम्स एंड मीनस ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सके और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं इसके अंदर वी विल कवर सम प्रम्स रिलेटेड क्वेश्चन

ियो दैट यू हैव टू बी वेरी मच प्रिस विद यूज ऑफ वर्ड ओके यू हैव टू राइट मैक्सिम पॉइंट मैक्सिम एंगल एज यू मे थिंक आप जितना इमेजिन कर सकते हैं आपको सारे पॉइंट को यहां पर इंक्लूड करना है बट विद दिस क्योंकि आपके पास वर्ड ज्यादा नहीं है यू हैव ओनली वन फिफ्टी वर्ड टू शो योर नॉलेज और शो योर यू मे से कॉन्फिडेंस इन आंसर राइटिंग चलिए ना वी विल सी दि सिलेबस Of General Studies 3, you will see the syllabus of General Studies 3. You will find topics like conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment. Now, the another topic is disaster and disaster management. Now, you can categorize forest fires in even in से इवायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑल्सो बिकॉज बहुत सारा जो रीजन है फॉरेस्ट फायर का दैट इज रिलेटेड टू एन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन तो यहां पर आप उसको एक जरूर पॉइंट बना सकते हैं एंड डिजास्टर तो है ही है आपको पता है रिसेंट टाइम्स में दिस हैज बिकम अ कैलमिटी ओवर दी वर्ल्ड सारे जगह जो है फॉरेस्ट फायर देखने को मिल रहा है तो आप इसको डिजास्टर में भी रख सकते हैं अगर आपने एक क्वेश्चन फॉरेस्ट फायर पर लिख रखा है तो इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपसे यूपीएससी मेन्स में पूछा जाता है जीएस थ्री में तो आप इसको इजिली फ्रेम कर सकते हैं

फॉरेस्ट एट दी होम ऑफ यू मे से वेरी इंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज जैसे आपको टाइगर आप देख सकते हैं तो इस तरह की जगह अगर आपको ऐसे टाइगर रिजर्व में बायोस्टर रिजर्व में फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट में अगर आपके जो है यहाँ पर अगर फायर फैल जाता है तो काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होता है ठीक है तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसा के एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं नो द सेकेंड थिंग जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि वाइल्ड आंसरिंग ज्योग्रफी रिलेटेड क्वेश्चन और यू में से इवन इन दी इन्वॉर्मेंटल रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है और या डिजास्टर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज मैप का जरूर यूज करिए ठीक है अगर आप मैप को मैप की मदद से अगर आप बताते हैं फॉर एग्जाम्पल बिकॉज यहां पर फॉरेस्ट फायर इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया में कौन सा एरिया सबसे ज्यादा प्रोन है तो यू कैन ड्रॉ अ रफ डायग्राम और यू कैन ड्रॉ अ रफ मैप ऑफ इंडिया जहां पर आप सिर्फ ऐसे लाइन से दिखा सकते हैं कि दिस इज हाई फायर प्रोन एरिया ये कम प्रोन है तो आप इस तरह से कैटेगराइज यहां पर आपके लिए इसी, इसलिए मैंने एक मैप मैप रख दिया है कि इस को यूज करके आप यहां पर बता सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने आपको इंडिया का मैप ड्रॉ करने आता है और रफली अगर अभी तक आपने आंसर राइटिंग किया है तो यू कैन ड्रॉ इंडियाज मैप ठीक है एग्जाम में भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं आपने ड्रॉ कर लिया तो आप बता सकते हैं कि जैसे ये देखिए सेंटर वाला एरिया जो है दिस इज हाई हाईली प्रोन एरिया

पर भी जरूरत हो इंडिया के मैप को अगर आप इंडिया के मैप से आप ज्यादा अच्छा से बता सकते हैं अब जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको इंडिया का मैप यूज करना है जो है जो वो बिल्कुल नेसेसरी होता है। जैसे अगर आपसे बोला जाएगा कि इंडिया में कहां, -कहां मिलते हैं या फिर इंडिया में कहा आयरन स्टील पाए जाते हैं तो उस केस में तो आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन में जहां पर एग्जामिनर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप इस तरह के डायग्राम यूज कर लेते हैं और अगर आपने कर लिया तो उसको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाता है उनको लगता है कि आपको पता है कि फॉरेस्ट फायर का जो है वो क्या डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में तो हमने पर कर लिया आप इस डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं इसको आप यूज़ कर सकते हैं और बता सकते हैं हैं कि कौन कौन सा सा एक्सट्रीमली फायर प्रोन एरिया है, कौन सा है मॉडरेटली और कहां पर कम चांसेस दिस वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू दी बॉडी सेक्शन ऑफ द आंसर क्या क्वेश्चन क्या था इन्वेस्टिगेट दी फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू दीजिंग फॉरेस्ट फायर आर कॉज ड्यू टू नेचुरल फेनोमिना थंडर्स होता है ड्राइनेस ऑफ लीव बहुत सारा रीजन है जिसकी वजह से फॉरेस्ट फाइज स्टार्ट हो सकता है तो यहां पर बहुत ज्यादा रीजन नहीं है कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं है या आपको हो सकता है कि बहुत सारे रीजन नहीं पता हो फॉरेस्ट फायर का बट स्टिल कुछ एंथ्रोपोजेनिक है कुछ नेचुरल है तो आप मिला क्यों रीजन है इसके बिहाइंड का इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉरेस्ट फायर क्लाइमेट चेंज भी अगेन एक इसमें जरूर पॉइंट बनेगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज हर चीज से रिलेटेड है तो यहां पर आपका एक पॉइंट जो है वो क्लाइमेट चेंज से ही बनेगा तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं अगर आपको नॉलेज नहीं हो बहुत बहुत ज्यादा पॉइंट आपको याद नहीं आए तो आपको कैसे बनाना है पॉइंट्स द फर्स्ट इज ह्यूमन एक्टिविटीज मेनी मेजर फायर इन इंडिया आर प्राइमरीली इग्नाइटेड बाई ह्यूमन एक्शन आपको पता है हाईलाइटिंग दी रोल ऑफ फैक्टर्स एट दरलेस डिस्पोजल ऑफ सिगरेट आपको पता है जो ट्राइबल एरियाज में या रूरल एरियाज में लोग रहते हैं तो दे स्मोक बीडीज ठीक है बीडीज या समटाइम सिगरेट्स तो अगर उसका आपको पता है किसी ड्राई फॉरेस्ट के आसपास वो इनहेबिटेशन है पीपल का और वो उसका गलत तरीका से डिस्पोजल हो जाए और एक चिंगारी के वजह से फॉरेस्ट फायर स्टार्ट हो सकता है ऐसा बहुत सारा केसेस में देखा गया है तो अगेन यहां पर आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि वन ऑफ ह्यूमन रीजन एंथ्रोपोजेनिक रीजन है कि यहां पर आप केयरलेस डिस्पोजल ऑफ सिगरेट्स उसके बाद ओपन फायर आप चलाते हैं पता है रूरल एरियाज में ट्राइबल एरियाज में दे आर स्टिल यूजिंग ओपन फायर सिस्टम जहां पर आप जो है बॉन फायर टाइप का चीज या फिर आप कुछ भी ओपन फायर यूज करते हैं फॉर कुकिंग पर्पसेस तो वहां पर जो है आपको क्या है अगेन देर अ चांस ऑफ कैचिंग फॉरेस्ट फायर इसके बाद आपको पता है इंडिया में लैंड क्लियरेंस मेथड लाइक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर

These ऑल आर रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज क्या होता है कि कैसे कंट्रीब्यूट करता है लॉन्गर मोर इंटेंस फ्रीक्वेंट एंड inflammable fires ये आपको बना सकता है क्यों क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको पता है वेजिटेशन पे असर पड़ रहा है ड्राइनेस बढ़ रहा है हर चीज का तो यहां पर हर चांस है कि फॉरेस्ट फायर इंक्रीज होगा ठीक है और आप ग्लोबल इसमें एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं लाइक लाइक एमेजॉन फायर एंड ऑस्ट्रेल फायर इसके बाद सीजनल ड्राइनेस इंडिया के, के केस में देखिए इंडिया का क्योंकि कंटेक्स में बात करना है तो फॉरेस्ट फायर्स इन इंडिया प्री डोमिनेटली ऑकर ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल इंडिया के केस में आप जब भी सुनेंगे कि फॉरेस्ट फायर फैल गया है तो ये किस समय होता है आपको पता है मार्च एंड अप्रैल इसको आप जरूर कोट करिए कहीं बिकॉज दिस इज द मेजर टाइम ऑफ फॉरेस्ट फायर्स इन इंडिया अब इस समय क्यों होता है क्योंकि इट इज अ पीरियड वेन फॉरेस्ट कंटेन्स एम्पल ड्राई वुड, लीव्स ग्रास एंड डीब्रीथ इस टाइम क्या होता है कि एम्पल वुड है लीव्स है ग्रास है डिबरीज है और थोड़ा सा भी अगर कहीं पर से भी फॉरेस्ट मतलब कि फायर सोर्स अगर मिल जाए तो यह बहुत बड़ा फायर में कन्वर्ट हो जाता है और रीसेंट टाइम्स में जो हमने देखा सरिस्का में या फिर आप डिफरेंट फॉरेस्ट में जो देखते हैं फॉरेस्ट फायर लग जाता है इसी समय देखने को मिलता है मार्च टू यू में से जून तक जो है आपको बहुत सारा फॉरेस्ट फायर देखने को मिलेगा इसके बाद नेचुरल इग्निशन फैक्टर्स भी हैं नेचुरल इनिशियस जैसे हमने क्या किया जैसे नेचुरल नेचुरलिस कैसे होता है एक्सट्रीम हीट है ही अभी है है अब कभी कभी क्या होता फ्रिक्शन हुआ बिटवीन ब्रांचेस किसी भी वजह से तो आपको क्या है फॉरेस्ट फायर स्टार्ट हो सकता है तो नेचुरल रीजन सॉयल मॉइस्चर डिप्लेशन देखिए अभी रिसेंट टाइम्स में पाया गया है कि उत्तराखंड जैसे एरिया में जहां पर पहले इतना फॉरेस्ट फायर नहीं होता था लेकिन रिसेंट टाइम्स से फॉरेस्ट फायर का जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी इंक्रीज कर गया है क्यों क्योंकि रिड्यूस सॉयल मॉइस्चर्स प्ले ए पिविटल रोल इन इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ फॉरेस्ट फायर तो यहां पर आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि जो आप बोल सकते हैं लेस फायर फॉरेस्ट प्रोन एरियाज जो थे जैसे उत्तराखंड वो वहां पर भी आजकल मतलब फॉरेस्ट uh, फायर देखने को मिल रहे हैं क्यों ड्यू टू रिड्यूस सॉयल मॉइस्चर इसके बाद रेनफॉल mm डेफिशिएंसी -hmm. आप एक ओवरऑल पॉइंट लिख सकते हैं कि इंडिया में जो है दो मॉनसून सीजन जो है 21 22 का जो है काफी वीक रहा था वी एक्सपीरियंस द डेफिशियंट रेनफॉल ऑफ एटीन टू ट्वेंटी जो कि फर्दर आपको कंट्रीब्यूट करता है टू ड्रायर फॉरेस्ट कंडीशन एंड फर्दर फॉरेस्ट फायर तो यहां पर हमने बहुत सारा पॉइंट्स लिख दिया इसके अलावा भी अगर आपको कोई पॉइंट लगता है कि फॉरेस्ट फायर का रीजन हो सकता है तो आप उसको यहां पर लिख सकते हैं इसमें आप लिख सकते हैं फॉरेस्ट डिग्रेडेशन लैंड यूज पैटर्न अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है देखिए एग्जाम में क्या होता है कि बिकॉज वी आर डिस्कसिंग पॉइंट्सर तो आपको लग रहा होगा कि ये पॉइंट आप लिख सकते हैं लेकिन एग्जाम में आपको जब पॉइंट ये याद नहीं आएगा तो आपको अपना पेन नहीं रोकना है आपको आंसर लिखते रहना है तो अब जैसे अगर आपको कोई पॉइंट नहीं आया यू हैव रिटन अबाउट क्लाइमेट चेंज यू हैव रिटन अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज यू हैव रिटन अबाउट dryness और इस तरह के पॉइंट्स आपने लिख दिया अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक पॉइंट जोड़ सकते हैं कि फॉरेस्ट का फायस क्यों बढ़ा है क्योंकि फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है फॉरेस्ट डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है क्योंकि आपका बहुत सारा फॉरेस्ट कट किया जा रहा है इस तरह के भी पॉइंट्स को अगर आप लिखेंगे तो दीज आर ऑल वैलिड मैं आपको वैल्ड बता रहा हूं क्योंकि यहां पर लिखना एंड एग्जाम में लिखना में बहुत डिफरेंस होता है वहां पर आपको हो सकता है पॉइंट याद नहीं आए लेकिन स्टिल यू कैन राइट जो भी पॉइंट इसके इन एंड अराउंड भी आप लिखेगा दैट इज रेलिवेंट आपको मार्क्स डेफिनेटली मिलेगा चलिए मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द क्वेश्चन दैट

ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर ट्री कवर्स कम होते हैं लेकिन वहां पर डिब्रीज और इस तरह के जो जो आपको जो है जो leaves fallen, leaves जो लीव्स लीव्स फॉलन होते हैं लिटर जो है इस तरह का चीज होता है जो कि बहुत जमा हो जाता है बीच में तो उसको अगर हम लोग क्लियर कर दें अगर उसको हम लोग साफ करते रहें अगर फॉरेस्ट uh, डिपार्टमेंट अगर उसको साफ करे तो वो क्या होता है कि दो अगर आप फॉरेस्ट के बीच में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं तो उस एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में फॉरेस्ट नहीं मतलब फॉरेस्ट फायर नहीं फैलेगा अगर हम लोग उस लिटर को साफ कर दे तो दिस इज ऑल्सो यहां पर क्या बोल सकते हैं फॉरेस्ट फायर लाइन हम लोग अगर क्रिएट कर देते हूं। इसके बाद फायर ब्रेक्स जो है फायर ब्रेक्स क्या होता है कि आप कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए स्ट्रक्चर्स आप बेसिकली बोले जैसे जिसको बोलते हैं डिचेस ठीक है अगर आप डिचेस बनाते हैं गड्ढा जिसको बोलते हैं नो इस, इसको एक तरह से फायर ब्रेकर माना जाता है कैसे इट हॉल्स दी कंटिन्यूस ड्राई वेजिटेशन दैट फ्यूल्स फायर दस इफेक्टिवली कंट्रोलिंग देयर स्प्रेड विद इन द फायर तो इस तरह के जो नेचुरल टेक्निक्स हैं जो कि फॉरेस्ट में इंप्लीमेंट किया जा सकता है जिसकी वजह से अगर फॉरेस्ट फायर होता भी है उसके स्प्रेड को रोका जा सकता है इसके बाद ये सब तो हमने देख लिया कि दीज आर दी नेचुरल टेक्निक्स इसके बाद क्या है सैटेलाइट मॉनिटरिंग हम लोग कर सकते हैं सैटेलाइट मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं आपको पता है कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे एम ओडीआईएस एंड एस एन पीपी वी आई आई आर एस आप इसको कोट कर सकते हैं डायरेक्टली लेकिन आप इसको जरूर गूगल सर्च करिए बिकॉज दिस कैन बी अ क्वेश्चन ऑन प्रिलिम्स ठीक है ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं कि वॉट इज मोडिस एंड एस एन पीपी इसके बारे में आप सर्च करिए तो दीज आर दी प्लेटफॉर्म जो कि प्रोवाइड करते हैं रियल टाइम डेटा फॉर रैपिड रिस्पॉन्स केस ऑफ फॉरेस्ट फायर और इन जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कोलेबोरेट किया हुआ है ऑलरेडी नासा और इसरो के साथ थ्रू दीज प्लेटफॉर्म तो इसके बारे में आप जरूर सर्च करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा ना इसके बाद है इंटीग्रेटेड प्रोटेक्शन इंटीग्रेटेड प्रोटेक्शन उसके बाद आप कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे ज्वाइंट वाटर बॉडीज बना सकते हैं जो कि वहां के पब्लिक और आपके द्वारा मेंटेन किया जाए इक्विपमेंट्स आप प्रोक्योरिंग में उसको मदद कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह की चीजों को अगर आप ज्वाइंटली मैनेज करते हैं तो आप जो है फॉरेस्ट फायर के फैलने को रोक सकते हैं हम लोग को बेसिकली क्या करना है देखिए फॉरेस्ट फायर को बहुत ज्यादा रोका नहीं जा सकता है लेकिन उसका स्प्रेड ज्यादा नहीं हो इसे हमें रोकने पर ज्यादा फोकस करना है इसके बाद प्रिवेंटिंग ह्यूमन कॉस्ट फायर ठीक है इंफेसाइजिंग एजुकेशन इन्वायमेंटल चेंजेस एंड पार्टिसिपेशन ये तो हमेशा ही होता है अवेयरनेस क्रिएशन आपको अवेयरनेस क्रिएशन करना है कि आप इस तरह के ओपन फायर को नहीं जलाएं फॉरेस्ट एरिया में या फिर आप सिगरेट्स बीडीज इस तरह की चीजों का जो उसका है उसका प्रॉपर डिस्पोजल किया करिए ताकि फॉरेस्ट फायर नहीं फैले इसके बाद है कुछ प्रिवेंशन मेट

फायर को फैलने फाल, फाल, से रोक सकते हैं जैसे डेवलपिंग ए नेशनल फायर डेंजर रेटिंग सिस्टम एंड एन एफ डी आर एस एंड फायर फोरकास्टिंग सिस्टम इस तरह का सिस्टम अगर हम लोग कुछ डेवलप कर ले तो डेफिनेटली फॉरेस्ट फायर को स्प्रेड होने से रोका जा सकता है इसके बाद नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर को लॉन्च किया गया था 2018 में तो एन एपीएफएफ इम्पावर्स एंड इंसेंटिवाइजेस फॉरस्ट फ्रिज कम्युनिटीज टू कोलेबरेट विद स्टेट फॉरस्ट डिपार्टमेंट मिनिमाइजिंग फॉरस्ट फायर थ्रू इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन एंड एक्टिव इन्वॉल्वेंट इसमें क्या है कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं जो फ्रिंज फॉरेस्ट फ्रिज एरियाज में रहती हैं वो अगर कहीं भी क्योंकि सबसे फर्स्ट प्राइमरी रेस्पॉन्डेंट वही होता है अगर उनको पता चलता है कहीं फॉरेस्ट फायर फैल रहा है तो उस केस में वो अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर सकते हैं अब हमने इतने सारे पॉइंट्स को लिख दिया अगर आपको यहां पर बहुत सारा पॉइंट याद रहता है नहीं याद आता है अगर नहीं याद आता तो उस केस में क्या कर सकते हैं देखिए कुछ आप नॉर्मल जेनरिक पॉइंट्स भी डाल सकते क्योंकि आपको पता है कि फॉरेस्ट फायर का हमने देखा कि फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से वजह से होता है तो आप बोल सकते हैं कि हमारा जितना जो आपका जो आपका जो ग्रीन इंडिया मिशन है ठीक है जिससे फॉरेस्ट फायर को बढ़ाना है सॉरी फॉरेस्ट कवर्स को बढ़ाना है तो आप वो सारी चीज को भी लिख सकते हैं फिर इंडिया रेड प्लस स्ट्रेटेजी जो फॉलो करता है ठीक है जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के अगेंस्ट है तो आप ये सब भी पॉइंट्स लिख सकते हैं कि इससे भी फॉरेस्ट फायर कंट्रोल होगा अगर इन केस आपको ये सारे स्पेसिफिक पॉइंट्स याद नहीं आए क्योंकि एग्जाम में आपको हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना है ऑल अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ओवर द टाइम तो आपको यह सब पॉइंट्स भी आप मेमोराइज़ कर लेंगे और आपके दिमाग में रहेगा। लेकिन स्टिल इफ यू डोंट नो ऑल से कुछ ही बहुत रेलिवेंट रहेगा द लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज कंक्लूड तो आप कंक्लूड कर सकते हैं सिंपल कंक्लूजन लिख सकते हैं सेफ गार्डिंग वाइटल कार्बन सिंग्स ऑफ आर नेशन फ्रॉम द रेवेजेस ऑफ फायर बिकम इंपरेटिव गिवेन एस्केलेटिंग चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग इंडिया मस्ट एवॉड ह्यूमन इंड्यूस डिजास्ट टू इश्योर दी प्रिजर्वेशन ऑफ दिस क्रुशियल इकोसिस्टम ठीक है बहुत लेकिन स्टिल बहुत वैलिड कंक्लूजन है आपको कंक्लूजन मैंने इसलिए बोला है कि आप बहुत ज्यादा मत सोचिए कि इसमें बहुत बड़े बड़े वर्ड लिखेंगे और बहुत बहुत, बहुत चीज हम लोग बताने वाले सिर्फ आपको यह करना है कि आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन देना है एग्जामिनर को कि आपने इस आंसर को एंड तक किया एंड यू हैव कंक्लूडेड आंसर वेल तो हमने हमने ऐसा क्वेश्चन देखा वी विल कीप ऑन ब्रिंगिंग सच क्वेश्चन फॉर यू आप डेली एक आंसर लिखिए इंप्रूव करते रहिए ऑन अ डेली बेसिस आप डेफिनेटली देखेंगे आफ्टर फोर टू फाइव मंथस आप बहुत अच्छा आंसर लिखने लगेंगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक थैंक यू